दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको टेबल फैन की मोटर में ऑटोमेटिक वाइंडिंग कैसे की जाती है फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। फुल डिटेल में आपको बताएंगे कैसे छोटे छोटे फर्मों में इन ऑटोमेटिक मशीन द्वारा वाइंडिंग की जाती है, कैसे उसमें ऑटोमेटिक मशीन द्वारा पेपर को इंस्टॉल किया जाता है, कैसे उसके बाद कॉइल को ऑटोमेटिक मशीन में केवल 5-10 सेकेंड में वाइंडिंग कर दी जाती है, कैसे शेप दिया जाता है, कैसे उसमें टेपिंग वगैरह की जाती है, यानी कि कंप्लीट प्रोसेस 2 से 4 मिनट में एक मोटर एक बॉडी जो है कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। तो चलिए इसका प्रोसेस देखते हैं, जानते हैं कैसे होते हैं। तो सबसे पहले ऑटोमेटिक की वाइंडिंग मशीन आ जाती है, जिसमें एक बार में कम से कम 20 कॉइल, 20, 25, 30 कॉइल जो है एक बार में, सॉरी एक बार में, जी हाँ दोस्तों, 8 कॉइल जो है यहाँ पे एक बार में बनाई जा सकते हैं। छोटे छोटे फर्मों में जिस माप का आपको कॉइल रखना है, कॉइल साइज, उसी साइज का फर्मा रख के यहाँ पे कॉइलें जो है बन रही हैं, देख सकते हैं। काफ़ी सारी मशीनरी यहाँ पे हैं, सारे फर्मों को मिला के उसके बाद कॉइल बना दिया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ ऑटोमेटिक एक मशीन है, जिसमें यहाँ पे पेपर जो है इंस्टॉल किया जाता है कुछ इस प्रकार से, और फिर थोड़ा सा पटक के पेपर दोनों साइड से पेपर को फिक्स कर लेते हैं, छोटा बड़ा जो रहता है। देख सकते हैं कुछ 5-10 सेकेंड में इस मोटर में जो है पेपर बैठ जाता है। उसके बाद इन फर्मे होते हैं, जिस पिच में जैसा आपको कॉइल रखना है, जैसे पिच में आपको वाइंडिंग करना है, उसी यहाँ पे 24 स्लॉट का या फर्मा टाइप रहता है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं 4 कॉइल जो है रनिंग की स्टॉल यहाँ पे कर देते हैं, और फिर इसी के ऊपर स्टार्टिंग की कॉइल भी इस मशीन में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लगा देते हैं, यानी कि एक बार में केवल 10 सेकेंड में भी या मोटर जो है कंप्लीट रिवाइंडिंग हो जाती है, देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेटर रखा, थोड़ा सा दबाया, मशीन को प्रेस किया, तो यहाँ पे यह कॉइल जो है ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाती है, यानी कि बहुत ही कम टाइम में यहाँ पे पूरा रिवाइंडिंग प्रोडक्शन होता है। फिर इस मशीन के द्वारा यहाँ पे शेप दिया जाता है, यानी कि जितना बड़ा आपको शेप रखना है, ताकि उसके बाहर रोटर डालने में या कहीं पे छू ना जाए, उस हिसाब से यहाँ पे शेप दिया जाता है, और फिर देख सकते हैं। इसको भी दिखा देकर यहाँ पे, और दोनों साइड से वाइंडिंग जो है बराबर हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं इस ऑटोमेटिक मशीन द्वारा टेपिंग की जाती है। टेपिंग करना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होता है यहाँ पे, किसी भी इंडक्शन मोटर हो या कोई भी छोटी मोटर हो। फिर इसमें वार्निशिंग किया जाता है, यानी कि वार्निश डाला जाता है टेपिंग करने के बाद। देख सकते हैं कितना आसानी से यह मशीन जो है पूरा धागा जो है टेपिंग कर रही है। देख सकते हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे पूरी मोटर जो है वाइंडिंग करके हमने कंप्लीट यहाँ पे कर दिया, यानी कि काफ़ी कम टाइम में यहाँ पे प्रोडक्शन लाइन होता है, और रोज़ का हज़ारों मोटर यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाता है शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि सब ऑटोमेटिक मशीनें हैं, बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी यहाँ पे वर्क हो जाता है। अभी इस मशीन में क्या करते हैं चलिए देखते हैं। तो इस मशीन में कॉइल का गोलाई शायद लेते हैं, और वाइंडिंग दोनों साइड से बराबर रहे, देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी वाइंडिंग हो चुकी है।